देश के दिग्गज और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। ऐसे में उनके निधन के बाद देश भर में शोक का माहौल है। महाराष्ट्र में शोक श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जा रही है। महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर झंडे को झुकाकर उनको सलामी दी जाएगी। ऐसे में इस वक्त हम मुंबई के NCPA के पास है हॉल में, जहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लाया गया है। और जो उनके शरीर को लाने के बाद यहां पे लोग उनको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, रतन टाटा की जो है निधन हो गया है, शोक के लिए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र जाधव और मैं टाटा ग्रुप के दो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड पर हूँ। और उसके पहले भी मैंने आदरणीय रतन टाटा जी के साथ में काम किया है। और जब मैं रिजर्व बैंक में काम करता था तब वो रिजर्व बैंक के बोर्ड पर थे और मैं बोर्ड का सचिव था, तो तब भी हमारा बहुत नज़दीकी परिचय हो गया और एक विलक्षण व्यक्तिमत्व के रूप में वो सामने आ गए। कैसा उनका स्वभाव था, आप उनसे देखते थे, आप उनके ग्रुप में काम करते थे और उनके जाने के बाद देश भर में कहीं ना कहीं शोक संदेश जा रहा है, लोग काफ़ी दुखित हैं और आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट थे, जुड़े थे, उनका कैसा व्यवहार था, उनके व्यक्तित्व क्या रहा? बहुत ही उन्हें कहा गया है उपभोग शून्य स्वामी, वो स्वामी तो जरूर थे लेकिन उपभोग शून्य स्वामी थे। और उन्होंने इतना कुछ किया, आप देखिए कि जब उन्होंने शुरुआत की तो टाटा ग्रुप का टर्नओवर $6 बिलियन था, वो $600 बिलियन तक ले जाने का काम उन्होंने किया है। और हर एक क्षेत्र में उन्होंने टाटा ग्रुप का अपना इम्प्रिंट बनवाया है। और उनकी एक खास बात यह है कि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। मैं नहीं जानता हूं कि आप जानते हैं, क्योंकि अभी हम एक वायरल वीडियो हुआ था जो ताजमहल होटल के पास में गेट के पास, और टाटा का जो यहां मुंबई का मुख्य ऑफिस है जिसको बॉम्बे हाउस कहते हैं, वहां रस्ते पर के कुत्तों को आने जाने के लिए पूरी परमिशन है। और रतन टाटा जी जब भी वहां जाते थे तो वहां जाके स्टेप्स पर बैठते थे और सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे, वो भी उनको जानते थे, वो अपने हाथ से सब कुत्तों को खिलाते थे। दरअसल उनके अपने कुत्ते भी थे लेकिन रस्ते पर के कुत्ते जो थे उनसे उनको बहुत लगाव था। और उनके लिए आप मानेंगे नहीं लेकिन टाटा के मुख्य बिल्डिंग में बॉम्बे हाउस में कुत्तों के लिए एक रूम बनाया हुआ है और रस्ते पर के कुत्ते वहां जाके पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। और ये उनके स्वभाव का केवल एक पहलू है, ऐसे कई पहलू है जो सामने आए हैं। ये कुछ लोग थे जो उनकी बातें बता रहे थे आपको, फिर से हम और भी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा नाम वेंकट राव एम, हम टाटा एंटरप्राइज जमशेदपुर से आए हुए हैं। मेरा बेटा का यहाँ ट्रांसफर हुआ, पता चला कि हमारा फाउंडर का देहांत हो गया, तो हम बहुत इतना एज में 74 साल एज में भी हमको लगा कि उनका दर्शन करना जरूरी है। हम आए हुए जमशेदपुर, एक स्वर्ग है हम लोग का, पूरा जमशेदपुर में इन्हीं का पूरा चलता है, रोड वोड सफाई उफाई पानी का सुविधा सब चीज़ का सुविधा जो है ना इन्हीं का देन है, टाटा परिवार का देन है। आज हम रिटायर होके 13-14 साल हो रहा है, हम यहाँ मिला, हमको बड़ा अफसोस है कि बहुत दुखी भी है हम, चले गए हम लोग को छोड़ के। ये रहता तो और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करता, हिंदुस्तान का बहुत कुछ किया है जो गुप्त है, बाकी सब नेता जो है ना सोबाजी करता है, लेकिन टाटा जी का परिवार आज तक कोई चीज़ सो नहीं किया, गुप्त सब दे के इतना अच्छा रखा जमशेदपुर को। हम बहुत अफसोस है कि वो चले गए, उनका आत्मा को शांति दे भगवान। थैंक यू राहुल, N24 को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें मौका मिला है। मैं थाने से आया हूँ, मैं अशोक गुप्ता ड्राइवर हूँ। टाटा रतन ऐसे व्यक्ति थे, उनके नाम में पहले से ही रतन जुटा हुआ है, लेकिन वाकई नाम का नहीं, वाकई काम के थे। जो पहले से जिनके नाम में रतन जुटा है वाकई रतन के पात्र थे, और जो कि हमारे देश के लिए भारत रत्न है। और इनके जाने से हम लोगों ने बहुत बड़ी एक उपाधि खो दी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का और इस 125
25 करोड़ जनता का वो पालनहार थे। मैं भी दुखी हूँ और इस दुख में शामिल हूँ, अंतिम यात्रा है। मैं चाहूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अच्छे मुकाम पे पहुँचाए, और ऐसे रतन पैदा होना चाहिए हमारे देश में जो कि हमारे देश के लोगों का ध्यान रखे, जो कि 70% इन्होंने पूरा जीवन इस देश के लिए दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अंतरिम भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, थैंक यू। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतार यहाँ पर जो टाटा ग्रुप्स के जो लोग हैं जो काम करते हैं वो लगातार यहाँ पर लाइन लगाई गई है उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है एनसीपी हॉल में, और इसी हॉल में लगातार जो है टाटा ग्रुप के लोग कहें फिर देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हो, राहुल गांधी और कई बॉलीवुड और उद्योगपति के जगत के लोग लगातार इस जगह पर आकर उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम की है। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है, क्योंकि जैसे ही लोग सुन रहे हैं जैसे लोगों को पता चल रहा है उसी अनुसार लोग सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतार लगाई गई है, और उनके लिए व्यवस्था भी की गई है कि वह रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। तो ऐसे में इस पूरे रोड को जिस तरीके से नरीमन पॉइंट का जो रोड है इस पूरे रोड को आप तस्वीरें आपको दिखा देगी किस तरीके से इस पूरे रोड को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इसी रूट से वो वर्ली जो है शमशान भूमि की ओर जाएंगे। तो ऐसे में ओबराय होटल होते हुए हाजी वली से होते हुए सीधा वर्ली में पहुंचेंगे, तो लगभग एक लंबा समय है, एक से दो घंटे का समय है जो लेके जाई जाएगी उनके गाड़ियों के द्वारा। तो उनके साथ जो लोग उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोग हैं, तो देश भर से लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो उनको लिए काफी का इंतजाम जो है यहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा यहां पर किया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 86 की उम्र में उनकी श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनका निधन हुआ है। लंबे समय कहा जाए कि 1991 से लेकर 2012 तक उन्होंने पूरे टाटा ग्रुप को संभाला था, यहाँ पे उनकी सेवा की थी, और ऐसे में एक लंबा समय उन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं इस हुजूम को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये टाटा ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे भी जो लोग हैं जो उनसे कनेक्ट थे, तो लगातार लोग जो है यहाँ पर उनका दर्शन कर रहे हैं। और भी जो लोग हैं हम उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जी आप यहाँ पर आए हैं, रतन टाटा जी का निधन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके के तस्वीरें हम जो देख रहे हैं देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। ओम शांति, हम ब्रह्म कुमारी की तरफ से आए हैं, हमारा मुख्यालय माउंट आबू में है, हमारी बड़ी दादी जी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करी है, और जब से हमने देखा है कि वो बहुत सरल व्यक्ति थे और समाज के लिए देश के लिए उनको बहुत प्रेम था और हर वर्ग के लोगों को वो मदद करते थे, तो उनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है, और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ये ओम शांति ग्रुप की तरफ से भी जो कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जाए कि 1991 से लेकर 2012 तक उन्होंने कार्य संभाला टाटा ग्रुप का, और ऐसे में टाटा नमक से लेकर टाटा उद्योग के बिजनेस व्यापार, गाड़ियों से लेकर टाटा हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल हेल्थ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो युवाओं से ज्यादा उनका प्रेम रहता था, पशुओं से ज्यादा उनका प्रेम हुआ करता था, स्वास्थ्य लिए वो काफी लोगों की चिंता करते थे, तो समाज सेवा में भी उनका अतुलनीय कार्य है। और ऐसे में शिवसेना की तरफ से भी अब जो है पत्र जारी किया गया है कि अब जो है रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए, इस प्रकार की मांग की गई है, महाराष्ट्र सरकार को इस प्रकार का पत्र भी दिया गया है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर शोक करते हुए भारत के जो झंडे हैं उसको झुकाने की बात भी कही है, तो इस प्रकार से झारखंड में भी शोक का संदेश है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में शोक का माहौल है। और ऐसे में एनसीपीए दफ्तर के पास में लगातार लोग उनके पार्थिव शरीर पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है उनको इस पार्थिव शरीर को लगभग कुछ समय बाद जो है वो वर्ली में उनको वहां पे अंतिम संस्कार की विधि की जाएगी। और ऐसे में जो पूरे देश भर के लोग जो है, चाहे वो अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, बॉलीवुड से अमित शाह, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और उद्योगपति हो, सभी लोग यहाँ पर उनको अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे, और कहीं ना कहीं उनको
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिज कैंडी में उनका निधन हुआ और ऐसे में उन्होंने ये बताया जा रहा था, और इस प्रकार का मैसेज भी जब कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक्स पर उन्होंने मैसेज किया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, रूटीन चेकअप के लिए मैं आया था, और ऐसे में उन्होंने एक संदेश भी उन्होंने दिया था, लेकिन लगातार ये बताया जा रहा है कि उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी और इसके बाद जो है ब्रिज कैंडी अस्पताल में लेकर गया लगभग 11:45 पर ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। फिर उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय बाद कुलाबा ले जाया गया जहां पर उनके परिवार के लोग शामिल हुए। अब जो है लगभग 9 बजे के बाद जो है यहां पर NCPA हॉल में लाया गया है जहां पर देश भर से लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद जो है उनकी अंतिम विदाई यहां सर जाएगी वर्ली की ओर, जहां पर उनका अंतिम संस्कार की जो विधि है जो पारसी विधि अनुसार जो है उनका संस्कार विधि अनुसार किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप को कौन संभालता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके और भी लोग हैं, उनके भाई भी हैं और भाई के भी जो बच्चे हैं, अब वो देखना होगा कौन करेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहे देश भर में एक शोक का माहौल है, शोक संदेश है, और इसी के अनुसार लगातार लोग जो है उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवा के साथ राहुल शुक्ला, आवाज़ इन 24 न्यूज़।